बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग नाज़रीन? अल्लाह के फजल व करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमाए जितनी उसकी शान है, इतनी खताएं माफ़ फरमाए जितना वो रहमान है, और आजमाइशों से हम सबको इतना महफूज रखे जितना वो मेहरबान है। अल्लाह पाक हम सब की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, हम सबको रमज़ान की आमद की खुशियाँ दिखाए, और रमज़ान में हर इंसान की दुआओं की कबूलियत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम आपकी खिदमत में बहुत बेहतरीन अमल लेकर आए हैं। अमल है वक्त को रोकने का अमल। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्त को रोकने का कैसा अमल है ये? तो देखिए, एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर हुआ करता है कि काम बहुत ज़्यादा हुआ करता है और वक्त बहुत कम हुआ करता है, और हम सोचते हैं कि छोटे वक्त में ज़्यादा काम है, ये पूरा कंप्लीट हो जाए ताकि हम दूसरे काम पे लग जाएं, या अगर हमें कहीं जाना होता है और हम सोचते हैं कि हम कहीं चले जाएं जल्दी से ये काम निपट जाए, तो लेकिन काम निपटता नहीं है और अक्सर कहीं जाने में देरी हो जाया करती है क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, वक्त ख़त्म हो जाया करता है। और काम कोई भी हो सकता है, किसी की ज़िंदगी में, ऑफिस में, घर में, बाहर, स्कूल्स में, स्टूडेंट्स में, मतलब बहुत सारी जगह इस तरह का काम हुआ करता है कि हमारे सामने वक्त कम होता है और काम ज़्यादा होता है। फिर हम सोचते हैं काश इसी वक्त में काम हो जाता तो हम दूसरे काम कर लेते, या हम कहीं जहाँ हमें जाना था वहाँ हम जा पाते, और कोई काम हमारे ज़िम्मे था वो काम हम कर पाते, और नहीं हो पाता तो उसी के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। एक तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर 5 वक्त की नमाज़ कायम ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि नमाज के चलते हमारे बहुत सारे काम वैसे ही बन जाया करते हैं, लेकिन अगर हम नमाज़ पूरी पाबंदी के साथ पढ़ा करते हैं तो अक्सर कभी भी कोई भी अमल अगर हम करने बैठते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छे नतीजे लेकर आते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपका अपना चैनल जो हिजाब वज़ाइफ चैनल है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए लोग हैं जो हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप ज़रूर देख पाएँ। और हम चाहते हैं आप सबके सपोर्ट से हमारा चैनल चलता रहे और हम आपके खिदमत में इसी तरह आते रहें और आपके लिए नए नए वज़ाइफ लाएँ जो अल्लाह हुक्म से आप सब फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। सूरह कौसर आम के सिपारे में इन्ना आतैना कल कौसर, ठीक है, तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आप काम करना चाहते हैं वो काम करने आप बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद आपको सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर ये सूरत है, इसे आप वर्द करना शुरू करिए और अपना काम करना शुरू करिए। बस वर्द करते रहिए, काम करते रहिए, वर्द करते रहिए, काम करते रहिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वक्त में इतनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी कि आपका काम मुख्तसर हो जाएगा और वक्त बाकी रह जाएगा, लेकिन आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद हैरत करेंगे कि इतने थोड़े वक्त में आपने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। तो यकीन कामिल के साथ ज़रूर करके देखिए, आजमाइए। हम तो अक्सर ये काम करते हैं क्योंकि हमारे पास अक्सर बहुत सारा काम हुआ करता है और थोड़े वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम बन जाया करता है। तो आप भी ज़रूर करिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना चैनल हिजाब वज़ाइफ चैनल। अल्लाह हाफिज़।